राज्यसभा में मानसून सत्र के दौरान बजट पर चर्चा करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों की संख्या कम होने को लेकर कि इस देश के लोगों ने बीजेपी की सीटों पर 18% GST लगा दिया और पार्टी को 240 पर ला खड़ा किया। राघव ने वस्तु एवं सेवा कर को संशोधित करने और उसकी समीक्षा करने व उसके सरलीकरण का सुझाव दिया। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए कहा, 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, तो इस देश के लोगों ने सीटों पर 18% जीएसटी लगाया और 2024 में उन्हें 240 पर ला खड़ा किया। राघव चड्ढा ने अपने भाषण में बीजेपी पर बढ़ती ग्रामीण महंगाई, घटती ग्रामीण आय, बढ़ती खाद्य महंगाई और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर तीखा हमला बोला। ग्रामीण आय में गिरावट और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर हमला करते हुए चड्ढा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण आय वृद्धि दशक के निचले स्तर पर है और पिछले 25 महीनों में वास्तविक ग्रामीण मजदूरी में लगातार गिरावट आ रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा, आज स्थिति ऐसी है कि एक औसत दिहाड़ी मजदूर जो 2014 में 3 किलो अरहर दाल खरीद सकता था, आज वो सिर्फ 1.5 किलो खरीद सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थिति बढ़ती महंगाई और घटती मजदूरी का नतीजा है। उन्होंने 2024 के चुनावों में ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के वोट शेयर में 5% की कमी के लिए इन कारणों को जिम्मेदार ठहराया। राघव चड्ढा ने कहा कि इस बजट ने बीजेपी के अपने मतदाताओं सहित आबादी के सभी वर्गों को नाराज कर दिया। उन्होंने कहा कि आज देश में हम ब्रिटेन की तरह टैक्स दे रहे हैं और सोमालिया की तरह सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि को लेकर सरकार पर हमला करते हुए आम आदमी पार्टी नेता बोले, खाद्य मुद्रास्फीति 9 से 9.5 के बीच बनी हुई है। हम उन वस्तुओं में भी महंगाई का अनुभव कर सकते हैं जिन पर हम आत्मनिर्भर थे और जिनका निर्यात भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस साल 2014 में 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत 21 रुपये थी, जो 2000 में बढ़कर 42 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। आम आदमी पार्टी नेता ने अन्य मुद्दों के अलावा बढ़ती बेरोजगारी, प्रमुख क्षेत्रों में ठहराव, कम प्रति व्यक्ति आय और भारतीय परिवारों पर बढ़ते कर्ज के साथ घटती बचत सहित अन्य मुद्राओं पर भी भाजपा पर हमला कर दिया। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़वेल इंडिया।